चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं यूपी के गोरखपुर और दिखाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कर रहे हैं गोरखपुर में, वो जनता को संबोधित कर रहे हैं। चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं वो। कोरोना महामारी के दौरान दूसरों की जान को बचाने के लिए एड़ी चोटी एक लगाई थी और सफाई कर्मी भी उनमें से मजबूत स्तंभ बनकर उभरे थे। आंगनवाड़ी हो या आशा वर्कर, स्वास्थ्य कर्मी, नर्सिंग स्टाफ हो, पैरामेडिक्स है, टेक्नीशियन है, चिकित्सक है या फिर हाउसकीपिंग का स्टाफ है, विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों से जुड़े हुए स्वयंसेवक हो, प्रशासन और पुलिस से जुड़े हुए कर्मी हो, जनप्रतिनिधि हो, जनता जनार्दन हो, इन सब ने अपने अपने स्तर पर प्रयास किया और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि गोरखपुर कोरोना महामारी से लगभग मुक्ति की ओर है। टीकाकरण युद्ध स्तर पर चल रहा है और टीकाकरण के युद्ध स्तर पर चलने के साथ ही गोरखपुर ने विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ कदम बढ़ाना प्रारंभ किया है। ये विकास की परियोजना इस बात को बताती है कि गोरखपुर ने जीवन को भी बचाया है और जीविका को भी बचाया है, और अगर गोरखपुर कर रहा है तो प्रदेश कैसे पीछे होगा। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश 12 करोड़ 60 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन, कोरोना का वैक्सीन दे चुका है। 8.25 करोड़ लोगों का सफलतापूर्वक जांच की प्रक्रिया भी पूरी कर चुका है। कोरोना के महामारी में उपचार के लिए इतने 150 लोगों ने उपलब्ध कराए कि जिस उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे कमजोर है, आज उस उत्तर प्रदेश में कोरोना के उपचार के लिए 1,80,000 बेड्स हमारे पास मौजूद हैं और हम दुनिया के किसी भी देश के कह सकते हैं उत्तर प्रदेश अब किसी मामले में कमजोर नहीं। उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है और अग्रिम सोच के साथ आगे बढ़ने का कार्य कर रहा है। उस सोच को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अभी मैं देख रहा था सफाई कर्मियों का सम्मान के साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना में जिन लोगों ने गृह प्रवेश किया वे लोग अपने अपने घर का फोटो लेकर के आए थे। इतना गर्व और गरिमा के साथ कह रहे थे कि मेरे पास मकान हो गया है, मेरे पास अब पक्का मकान हो गया है। ये जीवन स्तर को उठाने की एक सोच, और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने देश के अंदर अभी 3 दिन पहले 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने के लक्ष्य को तो प्राप्त किया ही, सबको वैक्सीन, मुफ्त में वैक्सीन के लक्ष्य को प्राप्त किया ही। प्रधानमंत्री बनने के साथ उन्होंने जो संकल्प लिया था कि सबको सिर ढकने के लिए छत भी देंगे, हर एक गरीब को देंगे, उत्तर प्रदेश अब तक 45 लाख लोगों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में एक एक आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उपलब्ध करवा चुका है। और ये मैंने ये कहने के लिए कुछ एक योजना हो सकती है, लेकिन यह एक योजना 45 लाख परिवारों को आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर भी की है। और यही कारण है जो उत्तर प्रदेश पहले विभिन्न योजनाओं में पीछे रहता था, आज विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ करके केंद्र सरकार से जुड़ी हुई सभी परियोजनाओं में अग्रणी स्थान रखता है। और उसमें भी 44 योजनाएं तो ऐसी हैं जिसमें उत्तर प्रदेश आज नंबर 1 पर है, देश के अंदर नंबर 1 पर, चाहे वह स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की योजना हो, प्रधानमंत्री की आयुष्मान भारत की योजना हो, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हो, प्रधानमंत्री की स्वामित्व योजना हो। मल्टी लेवल पार्किंग का शुभारंभ योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में किया। चलिए बढ़ते